हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आज आपको 8.3 एक्सरसाइज करवाने के लिए जा रहा हूँ। वो जो आप ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर शुरुआत किए हो, हमने इसका और भी दो चैप्टर का वीडियो अपलोड, दो एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर जो वो आपने देखे हो तो पहले वो जाकर देखिए, क्योंकि उसमें भी अच्छे अच्छे फॉर्मूले से सॉल्यूशन किया गया है। और इसमें भी आपको वैसा ही अंदाज में, जैसे कि पहले बताए हैं उसी अंदाज में इसमें भी चलेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं। पहले 8.3 एक्सरसाइज करने से पहले आपको इसकी बेसिक फॉर्मूला भी आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको बेसिक फॉर्मूले नहीं पता रहेंगे तो आप इसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आपको पहले फॉर्मूले लिखवा दें और उसके बाद में आप उसको राइट डाउन करके और फिर उस बेस पर आप चलिएगा। सबसे पहले हम उसको बेसिक बता देते कि आप कैसे इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले एक होता है कि आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल में कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा। दूसरा, अगर जो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में दिया है तो साइन थीटा हो जाएगा। देखिए, अगर जो ये आपको लगता है कि ये कहाँ से आया है, ये कैसे आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहे हैं हम, आपको मन में ये भी लगता है कि ये कैसे आ गया, तो अगर जो आपको ऐसा फील होता है कि मुझे ये भी जानना है कि क्यों आया, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये क्यों आया, ये फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है। सारा चीज़ ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। एक ट्रायंगल की हेल्प लेना पड़ता है और उससे सारे फॉर्मूले आ जाते हैं सेम बराबर से। तो अगर जो आपको लगता है कि हमें फॉर्मूला कैसे आया वो पता करना है, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इसमें वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वो वाला अगर जो पोर्शन बताएं तो। सूत्र, अगर जो सूत्र फॉर्मूला वगैरह को हम क्या करें सिद्ध करने के लिए चलें तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसलिए आइए पहले ऐसे आप ये भी जान के याद भी कर लेंगे ना, ये सिर्फ याद रहेगा तो भी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। ये सिर्फ याद रहना चाहिए अच्छे से सिर्फ। आप आइए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल में होता है कोसेक थीटा। अगर जो हमें दे दे चौथा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में सेक थीटा हो जाएगा। अगर जो पांचवा दे दे टेन 90 डिग्री माइनस में थीटा इज इक्वल में कॉट थीटा। अगर जो छठा दे दे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल में क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा 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 टेन थीटा। हमारा ये वाला फॉर्मूला है, ये अगर जो आपको अच्छे से याद है तो समझो कि आप सारे चीज़ कर सकते हो। आप इससे भी स्टैंडर्ड कर सकते हो, आप इससे भी स्टैंडर्ड बना मतलब आप जब 11th में जाओगे, अगर जो मैथमेटिक्स से लोगे, आपका सब्जेक्ट मैथ रहेगा, तो इससे बेहतर अच्छे अच्छे फॉर्मूले जानोगे। ये सब तो उसके मतलब एक पार्ट है छोटा सा। देखिए, तो हमें इतना फॉर्मूले सबसे पहले आना चाहिए, और फॉर्मूले आने के साथ साथ आप ये कॉन्सेप्ट सीखिए कि अगर जो हमें ऐसा कह देना कि साइन इसका क्या यूज है वो देखो। हम इसका यूज ये है कि अगर जो हमें कोई वैल्यू साइन में दिया हो, क्या दिया हो, साइन में, तो हम उसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर जो हमें दे रखा है साइन 45 डिग्री, 30 डिग्री ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कॉस में भी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री है। तक जब कन्वर्ट करेंगे तो कॉस में, ये सेक में कन्वर्ट भी हो सकता है, सेक में भी, ये वाला सेक में भी कन्वर्ट हो सकता है और कॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कॉस में इजीली कन्वर्ट हो जाता है और सेक में कन्वर्ट करने से कोई फायदा नहीं है। जब कन्वर्ट करने का रहेगा तो कर देंगे, वरना यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना, सेक में। देखो ये फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा होता है, तो क्या अब ऐसे कर सकते हैं, इसको साइन को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर।
अरे 90 डिग्री में 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 में 60 को घटाओ तो आपका 30 बचेगा, आपका 30 बचेगा। तो हमने इसी को हमने ऐसे कन्वर्ट कर ऐसे बदल दिया, कोई अलग नहीं है, सिंपल वही का वही रहा है, सिर्फ हमने इसके फॉर्म को चेंज कर दिया, रूप को चेंज कर देना, बाकी वैल्यू उतना ही देगा, यानी मान उतना ही देगा। चलिए तो अब देखिए, अब ये फॉर्मूला पर क्या बताया था, साइन 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए, ये पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये थीटा की जगह है, तो होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है 60, तो यही वाला 60 हो जाएगा, है ना। तो हमारा अगर जो कहे साइन 30, 30 को चेंज करने के लिए तो कहाँ चेंज हो सकता है, कॉस 60 डिग्री। अब आपको लगता है कि कैसे चेंज हो जाता, मतलब मुझे कुछ आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो इसमें समझने वाली बात नहीं है, आप अगर जो देखोगे तो एक्चुअली ये दोनों ही आपस में बराबर है। देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है हमारा 1/2, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, या दोनों ही बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, आपस में एक्सचेंज करने पर वैल्यू कुछ नहीं बदलता, सिर्फ फॉर्म चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर जो देखिए ये हो गया, ये तो हुआ बेसिक, एक बार और बता देते हैं, अगर जो हमें ये दे रखा है कोसेक, कोसेक 60 डिग्री, तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोसेक को ऐसे पहले लिखो, कोसेक लिखना है, फिर 90 लिख देना है, और 90 में कितना घटाएं कि हमारा 60 60 आ जाए, तो 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 30 घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए तो कोसेक, एक मिनट, जब अब घटाएंगे तो फिर यही आ जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि कोसेक आ गया ना 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की देखो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 30, जब कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो सेक लिखो, और थीटा की जगह थीटा ही है, तो थीटा 30 है, तो 30 यहाँ लिख दो बस। अब देखिए कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है कितना, 2/√3, और इसका भी वैल्यू होता है 2/√3, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ रूप को चेंज कर सकते हैं। चलिए ये अब देखिए, अगर जो हमें ये तो आप कर लीजिएगा, लेकिन देखिए जब हमें अब चैप्टर पर आते हैं ना हम सब, तो हमें ये प्रॉब्लम आता है कि अब इसको चेंज करो ऐसे 90 डिग्री माइनस थीटा करो, फिर उसके बाद में वगैरह वगैरह बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसको उसके लिए एक और ट्रिक है, डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर दो। क्या करना, अगर जो हम देखो पहले साइन है जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, तो पहले इसको कॉस लिख दो, और जो इसको डायरेक्ट ही इसको 90 से घटा दो, तो 90 में जब 30 घटाएंगे तो 60 बच जाएगा, बस काम खत्म। अगर जो हमें देगा कि कॉस, कॉस हमें दे दिया कि 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस को किस में चेंज कर सकते हैं, साइन में, डायरेक्ट साइन लिखो और 90 में घटा दो, तो 45 डिग्री हो गया, कोई उस लिखने की जरूरत नहीं। अगर जो हमें दे दे कोसेक 60 डिग्री, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको किस में चेंज किया जा सकता है, सेक में, तो सेक लिखो, सेक लिख दिया, और 90, इसको 60 को 90 से घटा दो, तो 30 डिग्री, काम खत्म हो गया। अगर जो हमें दे दे कोई टेन 60 डिग्री, तो कॉट 90 में घटाओ 60 को, तो 30 डिग्री, बस ये हो गया। ये इक्वल होते हैं आपस में, जो जो मैंने इधर बताया सभी क्या है, इक्वल है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या करा, इवेल्युएट मान निकाल, मतलब मान निकालिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसी है, दो मतलब सेकेंड भी नहीं, इसका एक ही एक आंसर आ जाएगा, अपॉन में कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। देखिए आप अगर जो इसको कोई एक को चेंज कर दो, ऊपर वाले को चेंज कर दो या नीचे वाले को चेंज कर दो, क्यों, क्योंकि इसमें अब ये भी तो कहना है कि हम चेंज क्यों करें, तो चेंज हमें मान निकालने के लिए हम करते हैं। अगर जो कहे कि मान निकालने, और भी कई तरह से निकलते हैं, हाँ निकलते हैं, इसको और भी कई तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर जो हमें अभी 10th लेवल का पढ़ रहे हैं ना, तो 11th और 12th का नहीं निकाल सकते, इसीलिए 10th बेस पर ही निकालना है। जैसे कि
अब पता कैसे चले कि इसका मान एक होगा कि नहीं, तो डायरेक्ट देखिए इसको दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। 72 और 18 कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो पहले इसको चेंज कर दिए, किसी एक को चेंज कर देना, साइन 18 डिग्री को चेंज करेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस, क्योंकि साइन को चेंज करते हैं कॉस में, और 90 में इसको घटा दीजिए तो 72 आ जाएगा, और नीचे भी कॉस 72 डिग्री। ये से ये बराबर दोनों हैं, एक बार में कैंसिल आउट। अगर जो आपको लगता है कि नहीं भाई हमको रहने दो, ऊपर वाला नहीं घटाना है, हमको ऊपर वाला नहीं घटाना, हमको नीचे वाला बदलना, मतलब ऊपर वाला नहीं बदलना, नीचे वाला बदलना, तो ऊपर वाला ज्यों कहते हैं लिख दो, और कॉस 72 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में। इसको 90 में घटाना है तो 90 में घटा दो तो 18 डिग्री आएगा, फिर तो वही आ जाएगा 1। तो आप कैसे भी कर सकते हो, नीचे वाले के चेंज कर दो या ऊपर वाले को चेंज कर दो, बात वही है, ठीक है। अब दूसरा में कह रहे हैं 10 26 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री, ये दे रखा है। तो आप कोई कोई भी चेंज कर दो, ये भी ये चेंज करना तो ये चेंज करो या ये चेंज कर दो, कोई भी चेंज करोगे तो उसका मान एक ही आएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। तो चेंज कर देते हैं, तो 10 को करेंगे तो कॉट डायरेक्ट लिख देंगे, और इसको 90 में घटा देंगे तो आ जाएगा 64। इसको 90 में घटाना, हमने पीछे बताया था यहाँ पर कि कैसे डायरेक्ट 10 को कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 64 डिग्री सेम है तो 1 आ गया, ओके। अब तीसरा थर्ड नंबर कर रहा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये दे रखा है। इसको क्या करना, कोई एक को चेंज कर दो, आपको कोई एक को चेंज करना है बस, इसमें और कुछ नहीं, एक नंबर का क्वेश्चन है। इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, इसको 90 में घटाएंगे तो 45 ही बचेगा, ये 48 है ना, 48 है तो ये 42 बचेगा। आइए साइन 42 जी कट गया तो यानी 0 बराबर है ना, इसे दो में से दो घटाते हैं तो 0 आ जाता है, उसी प्रकार दोनों सेम है तो 0 आ गया। चौथा नंबर कर रहा है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। आपको इसको करना है तो इसको कर दो, इजीली हो जाता है, कोई हार्ड नहीं है। ये कोसेक को हमको कन्वर्ट कर देना सेक में, तो सेक लिखेंगे 90 में ये घटा दो सिर्फ ये वाला, तो हमारा 59 डिग्री हो जाएगा, और ये सेक 59 डिग्री, दोनों सेम है 0, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करें, सेकंड क्वेश्चन करें, सो दैट मतलब दिखाइए दर्शाइए कि फर्स्ट नंबर में दिया ऑप्शन दे दिया अल्टरनेटिव क्वेश्चन से, 10 48 डिग्री 10 यहां इनटू छुपा रहता है, ध्यान रखना छुपा रहता है 10, फिर इनटू 10 42 डिग्री, फिर 10 67 डिग्री इज इक्वल में 1 है, इज इक्वल में 1, ये पूछ रहा है, दर्शाने के लिए दिया है, ये हमें बताने के लिए कर रहा है कि इतना दे रखा और इतना निकालिए। तो सिंपल क्या करना है, दो इसमें चार है ना, चार है, तो पहले देखो कि किसको दो को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो 48 है, 48 है, 48 में क्या जोड़े कि हमारा टोटल 90 हो जाए, तो इन दोनों को जोड़ने पर ये हो जाता है, और इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो इसको चेंज कर दो और इसको चेंज कर दो, दोनों को चेंज कर दो, तो दोनों को इसको चेंज करेंगे तो कॉट 42 डिग्री ये हो जाता है, और फिर क्योंकि इसको 90 में 48 घटाएंगे तो 42, और 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दे, इसको भी 10 को कॉट में कर दो तो कॉट, 90 में इसको घटाना तो 67 डिग्री इंटू ये क्या हो गया 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। आपको पता है कि आप जानते हो कि एक नहीं जानते तो ये देख लेना कि साइन है ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता उल्टा कोसेक थीटा होता है, क्या होता है कोसेक थीटा, अगर और
हम कहते हैं कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वन अपॉन में साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो वन अपॉन में कॉट थीटा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉट थीटा दिया है तो उसका इसको उलटेंगे तो वन अपॉन में मतलब इसका वो होता है उल्टा होता है। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला वन अपॉन में टेन थीटा। नहीं याद है तो ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस छोटे छोटे फॉर्मूले से ही हमारा ये जो बड़े बड़े सवाल हो पाते हैं। ओके, अगर जो ये फॉर्मूले नहीं याद है तो मतलब संभवतः आपको ज़्यादा परिश्रम उठाने का जरूरत है, मतलब आप ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। कॉट 45 डिग्री को देखिए, यहाँ पर हम इसको उलट दें, जिसे कॉट थीटा का उल्टा वन अपॉन में कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है वन अपॉन में टेन थीटा, तो इसको हम वन अपॉन में टेन लिखेंगे और थीटा की जगह कितना है 42 डिग्री, तो 42। और इसको बनाना एक ही, इसको एक ही तरीका से नहीं बनाया जाता, हम ऐसे बता रहे हैं, और भी तरीका आता है जिसे आप डायरेक्ट इस, जब ये दोनों आया ना तो ये दोनों सेम है ना, तो इसका वैल्यू वन हो जाता है, इन दोनों का भी वैल्यू वन हो जाता है, और डायरेक्ट वन मल्टीप्लाई वन करके आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कॉट थीटा को भी हम अगर जो उल्टे सूत्र होता है टेन में कन्वर्ट कर देंगे, ये तो 69 और फिर मल्टीप्लाई टेन 42 डिग्री और मल्टीप्लाई टेन 67 डिग्री। ये देखिए, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर गुना में है नीचे भाग में भाग लग रहा है, तो हमारा आंसर टोटली क्या हो जाएगा वन, सभी वन से वन मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है। ये सब याद रहना चाहिए, ये सब तो सिंपल है, और एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं सारे चीज, ठीक है। चलिए अब इसी का दूसरा ऑप्शन में कह रहा है, इसी का सेकेंड ऑप्शन दे रखा है, सही से पढ़िएगा, कॉस 38 डिग्री फिर इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल में जीरो। हमें दर्शाना है, क्या करना है हमें, ये शो करना यानी कि दिखाना है कि इसको हल करने पर हमारा आंसर जीरो आ जाए। तो जीरो लाने के लिए कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है, सिंपल कन्वर्ट कर दो, क्या कर दो, एक दूसरे इन दोनों को ही कन्वर्ट कर दो सीधा इन दोनों में। देखिए, इसको ऐड करने पर इसमें 90 डिग्री आ रहा है, इसको भी ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि 90-90 आ रहा है ना, तो इधर भी सेम हो जाएगा, इधर भी सेम हो जाएगा, और जब सेम हो जाएगा तो कट जाएंगे आराम से। तो कन्वर्ट कर दो इसको कॉस में, तो कॉस को साइन में, तो साइन हो गया, और 48 में घटाएंगे तो 52 बचेगा, फिर इंटू कॉस को साइन करो, साइन में चेंज कर दो, तो साइन और 52 में 90 में 52 घटाएंगे तो 38 बचेगा, माइनस हम इसको आगे और इसको पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में 2 × 3 लिखो 6 ही आएगा, और 3 × 2 लिखो 6 ही आएगा, तो यानी इसको हम पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई मायने नहीं रखता है कि आप आगे लिखो या पीछे लिखो उसको, साइन 38 डिग्री। अब देखिए दोनों सेम आ गए, आराम से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसको घटा सकते हो, और घटाने के बाद हमारा आंसर जीरो आएगा, और ये दे रखा है जीरो लाने के लिए, शो करने के लिए करा था, दर्शाने के लिए करा था। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करें, थर्ड क्वेश्चन क्या करा, इफ 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 टेन टू ए, ये करा यदि टेन टू ए बराबर में कॉट ए माइनस 18 डिग्री है, ए माइनस 18 डिग्री है, और करा वेयर जहां टू ए इज एन एक्यूट एंगल, यहां करा कि टू ए एक न्यून कोण है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और फाइंड करने के लिए करा एक्स ए का वैल्यू, हमें क्या करा ए का वैल्यू, तो हमें जो मेन इंपोर्टेंट दिया है वो देखेंगे, जो जो हमें इंपोर्टेंट चीज दे रखा है, इसमें दे रखा है टू ए इज इक्वल में कॉट ए माइनस 18 डिग्री, ये दे रखा है,
और हमें ए का वैल्यू ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना इसमें, सिंपल है। एक मिनट, कुछ एरर है इसमें। ठीक है, इसमें टेन टू ए दे रखा है, टेन टू ए दे रखा है, तो टेन टू ए दे रखा है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट, ए का वैल्यू निकालने के लिए, ए का सिंपल वे में निकल जाएगा वैल्यू, कोई हार्ड नहीं है ये। देखिए पहले इधर कॉट है और इधर टेन है, हमने आपको बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल में कॉस थीटा, अगर जो ऐसे दे रखा है ना साइन बी, तो यहाँ ध्यान रखना कि ये जो साइन है और यहाँ जो साइन है, ये आप ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे इसको कट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं रहता है, यहाँ एंगल में है, ये सब क्या है थीटा, एंगल में है, तो आप यहाँ ऐसे नहीं काट सकते हो, ठीक है, इसको काटने का अलग ही रूल है। तो टेन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉट में, क्योंकि दोनों तरफ बराबर रहेगा तो उसको कैंसल आउट कर सकते हैं, तो हम टेन को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट में। सॉल्यूशन लिख लेना अच्छे से, कॉट 90 डिग्री माइनस टू ए, क्योंकि आपको बताया था कि टेन को अगर जो कॉट में कन्वर्ट करना है तो कॉट लिख दो और 90 में जितना है थीटा उतना घटा दो, ठीक है, और बराबर यहाँ पर कॉट ए माइनस 18 डिग्री, ओके। अब देखो कॉट यहाँ भी है और कॉट यहाँ भी है, सिर्फ उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, उसको कैंसल मत कर देना है ऐसे, ये अंडरलाइन करके उसको हटा देना, रिमूव कर देना है, फिर 2a इज इक्वल में इधर क्या बच गया 18, तो ये माइनस का 2 है इस साइड आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 18 है इस साइड आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। अगर जो ये अच्छा से नहीं पता है तो इसके पीछे वाले वीडियो में थोड़ा बेसिक से लेके चले तो वो देख लीजिएगा पहले जाकर, 90 डिग्री, ये माइनस इधर आया तो प्लस 18 डिग्री, एंड ए ये माइनस है तो उस साइड गया तो प्लस हो गया, थ्री ये कितना हो जाएगा 1108 और थ्री ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ए इज इक्वल में 108 डिग्री और थ्री, तीन से डिवाइड करोगे तो कितना 3 3 9 और 3 6 18 36, ए का हमारा वैल्यू निकल के आ गया 36 डिग्री यानी 36 डिग्री, ओके। चलिए इसको आप पाउस करके इसको लिख लीजिएगा, नेक्स्ट में क्या कर रहा है, फोर में भी यही कह रहा है, फोर क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, इफ टेन ए इज इक्वल टेन बी प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल में 90 डिग्री, सेम कंडीशन, यदि ए टेन ए बराबर में कॉट बी दे रखा है, टेन ए बराबर में कॉट बी, तो हमें सिद्ध करने के लिए कर रहा है कि a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री सिद्ध कीजिए, तो सिंपल है ये भी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई आप किसी एक को चेंज कर दो, ऐसा चेंज करना इधर वाले को चेंज करना, क्योंकि देखिए हम इसको चेंज करेंगे तो 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, तभी तो ये माइनस का भी है इस साइड आएगा आ जाएगा तो प्लस का भी, अगर जो ये चेंज करते हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और ज़्यादा करना पड़ेगा, कैलकुलेट और ज़्यादा करना पड़ेगा, आ ही नहीं सकता शायद, लगता है मुझे मेरे हिसाब से, तो टेन ए सॉल्यूशन लिखना है, टेन ए एज इट इज लिख दो और कॉट ए को हम चेंज करते थे टेन में, तो टेन 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है, टेन से टेन कैंसिल आउट हो गया, ऐसे मत कैंसिल कर देना, ए इज इक्वल में 90 डिग्री और माइनस में बी, ए इज इक्वल में 90 डिग्री माइनस बी, और ये माइनस का बी है इस साइड आएगा तो प्लस का बी हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल में 90 डिग्री प्रूव्ड, ठीक है, ये सिंपल सिंपल है, ये सब पूछेगा भी नहीं क्वेश्चंस।
ऐसे हाँ हाँ ऐसे पूछ सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक नंबर में आ सकते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रखा, इफ सेक 4a इज इक्वल में कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, वेयर जहां 4a इज एन एक्यूट एंगल, ये कह रहा है कि जहां 4a है जो एक न्यून कोण है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि a का भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए। इसमें भी वही है पीछे वाली क्वेश्चन, सेक 4a इज इक्वल में कॉसेक कोसेक ए माइनस 20 डिग्री है, और हमें ज्ञात करने के लिए करा ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा। इसमें भी कुछ नहीं करना, सिंपल एक को चेंज कर दो क्योंकि कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये सेक को हम कर देंगे कोसेक में, 90 डिग्री माइनस 4a हो जाएगा सिंपल, एजिकोन में कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। ओके कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो गया, ऐसे मत कैंसिल कर देना क्योंकि ये एंगल है बीच में और एंगल कभी मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है। यहाँ 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल में ए माइनस में 20, ये माइनस का 20 इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस में 20, और a ये माइनस का 4a है तो इधर आएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा। ये कितने हो गए 110 एंड ये 5a, सब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, और फिर a का वैल्यू हमारा आ जाएगा 22 यानी कि 22 डिग्री, और किसका वैल्यू, इस a का ही वैल्यू ज्ञात करना था। ठीक है आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और अगर जो इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, फिर उसके बाद में अगले वीडियो मिलते हैं।